रामधाम के सामने बने अंडरब्रिज के पास लगा लोहे का गार्ड वाहन अवरोधक कभी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। चित्तौड़ रोड पर रामधाम के सामने बने अंडरब्रिज पर कुछ दिनों पहले रेलवे द्वारा भारी वाहनों ओवरलोड वाहनों की आवाजाही को रोकने एवं रेलवे अंडरब्रिज की सुरक्षा के लिए लोहे के भारी एंगल से वाहन अवरोधक सुरक्षा गार्ड बनाया गया, लेकिन सुरक्षा के लिए बनाया गया अवरोधक जान का खतरा बनने के कगार पर है। इस अंडरब्रिज से रोजाना दोपहिया वाहन, टेम्पो, कार, जीप सहित सैकड़ों की संख्या में वाहन निकलते हैं। कई टेम्पो वाहन और कार इसमें हादसे का शिकार हो चुके हैं। उनकी गाड़ियों की छत टूट चुकी है। इसी को लेकर विभिन्न टेम्पो चालकों ने राजस्थानी जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी को बताया तो तुरंत ही टेम्पो चालक सहित आमजन के साथ मौके पर जाकर उन्होंने स्थिति को देखा तो आंखें खुली रह गई। रेलवे जो सुरक्षा के लिए देश में सबसे सुरक्षित माना जाता है, वही आम जनता की सुरक्षा में इतनी भारी चूक अचंभित करने वाली बात थी। तुरंत ही रेलवे अधीक्षक राधेश्याम शर्मा एवं रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य विजय लड्ढा को बताया कि लोहे के एंगल से बनाया गया भारी भरकम सुरक्षा गार्ड जो कि जमीन में केवल खड्डा खोद कर रख दिया गया है, उसको रोकने के लिए सीमेंट कंक्रीट का उपयोग भी नहीं किया गया है। सुरक्षा के कोई उपाय भी नहीं किए गए हैं। भारी भरकम लोहे के एंगल का गार्ड कभी भी गिर सकता है और बड़े हादसे का कारण बन सकता है, साथ ही जानमाल को भारी खतरा इससे बताया गया। राजस्थानी जनमंच के अध्यक्ष कैलाश सोनी ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि तुरंत इस एंगल गार्ड को सुरक्षा के मापदंडों के अनुरूप सही करा करके आमजन को राहत पहुंचाई जाए। इस दौरान जितेंद्र शर्मा, मूलचंद सिंधी, संपत शर्मा, अशोक सिंधी, विनोद कुचबंदा, विजय गुवारिया, अमित शर्मा, करण गाडरी, कालू धोबी, किशन जाट सहित कई आमजन मौजूद थे। मैं अभी चित्तौड़ रोड पे स्थित रामधाम के सामने अंडरब्रिज पे खड़ा हूँ और वहाँ पर रेलवे ने 2 महीने पहले लगभग अपने जो भारी वाहन होते हैं उनको रोकने के लिए एक लोहे की एंगल नुमा एक अवरोधक लगाया था और उस अवरोधक का जो मूल स्वरूप था, मूल उसका उद्देश्य था कि इस जो अंडरब्रिज बना हुआ है उसकी सुरक्षा की जाए और भारी जो वाहन वहाँ से नहीं निकले, लेकिन वही जो सुरक्षा है वही जान का जोखिम बनने की कगार पर है, वो जान पर बनाई है लोगों की। ये जो एंगल लगाई उसकी स्थिति ये है, मात्र उन्होंने खड्डा करके और एंगल लगा दी है, पूरी एंगल झुकी हुई है, टेढ़ा ओढ़ का है, खड्डे भरे हुए नहीं है, कभी भी ये हादसा हो सकता बड़ा, ये गिरने की कगार पर है, कभी भी जान और माल की स्थिति खराब होने की स्थिति है, जान माल को जबरदस्त खतरा है। रेलवे प्रशासन को आगाह करता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि तुरंत इस जो एंगल नुमा है, जो आपके सुरक्षा द्वार लगाया है, इसको तुरंत सही किया जाए, जनता को राहत पहुँचाई जाए। राजस्थानी जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी। सवाल लेके पाइप टूटता है, उड़ फट रहा है हमारे और गाड़ी के बहुत नुकसान हो रहा है यहाँ पे, सब गाड़ियों की ये हो रही है, ये 2 महीने से हो रहा है, 2 तक 40,000 रुपए रोज से नुकसान हो रहा है। एक बार पाइप टूटता है तो कम से कम हमारे 2,000 रुपए, बहुत सी गाड़ियों के कार टूट रहे हैं यहाँ पे, कारों के कार टूटते हैं, रोज गाड़ियों में नुकसान।